नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने पर बयान दिया। कमलनाथ ने कहा कि 15 अक्टूबर को नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। कुछ नामों पर जल्द ही चर्चा और सहमति होनी बाकी है, जिन पर जल्द ही पार्टी के आलाधिकारी फैसला लेंगे। 15 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। मध्य प्रदेश के लिए यह खबर बेहद अहम है, क्योंकि पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से कहा गया कि नवरात्र के पहले दिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे, तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएफआई को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमास और पीएफआई तो महज एक बहाना है, कांग्रेस आतंकियों को बचाना चाहती है। हमास ने जब इसराइल पर आक्रमण किया था, उस वक्त किसी ने एक शब्द नहीं बोला। पीएफआई को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका जी को साफ करना चाहिए कि क्या वो दिग्विजय सिंह के पीएफआई पर दिए गए बयान से संतुष्ट हैं। पीएफआई, दिग्विजय सिंह, हमास के खास क्यों देंगे देश का साथ? पीएफआई और हमास तो बहाना है, कांग्रेस का काम आतंकियों को बचाना है। तुष्टीकरण से प्रेम, यही है कांग्रेस का असली गेम। आज तक ये बात समझ में नहीं आ पाई कि जब दिग्विजय सिंह के अपनों पर चोट होती है तो दर्द से तिलमिला जाते हैं वो। हमास ने जब इज़राइल पर आक्रमण किया तो इनका किसी का भी एक भी शब्द नहीं निकला, और इजराइल ने किया तो फिर देखिए कहां कहां से घूम घूम के, गली से कोई फिलिस्तीनी की गली को पकड़ा, किसी ने कोई को पकड़ा, कोई पीएफआई पे आ गया कि 97% केस झूठे हैं। जो मामला सब जुडिस हो, न्यायालय में विचाराधीन हो, उसको दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते, स्पष्ट करना चाहिए। उधर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरताज सिंह को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी। कल सरताज सिंह का निधन हो गया था। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि बड़े भाई और दुखी मन से मैंने सरताज जी के अंतिम दर्शन किए। वो नर्मदापुरम की राजनीति के सरताज थे, जनता के दिलों पर राज करते थे। सरताज सिंह पूरे प्रदेश के नेता थे। राज्य सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश में पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनाने के लिए जो काम किया वो अद्भुत था। सीएम शिवराज सिंह ने सरताज सिंह के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। बड़े भारी और दुखी मन से मैंने सरताज जी के अंतिम दर्शन किए। वो सचमुच में नर्मदापुरम की राजनीति के सरताज थे और जनता के दिलों पर राज करते थे। विकास पुरुष थे, इटारसी में 2 बार नगरपालिका का अध्यक्ष रहते हुए उन्हें इटारसी की दशा बदल दी थी।
भारतीय जनसंघ के काम को उन्होंने विशेषकर नर्मदापुरम संभाग में खड़ा करने में अद्वितीय योगदान दिया था। वो पूरे प्रदेश के नेता थे और एक आदर्श उदाहरण थे। उधर पेपर लीक मामले में राजस्थान के 3 शहरों में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और दफ्तर सहित 9 ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। ये सभी ठिकाने दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के बताए जा रहे हैं। स्पर्धा चौधरी पेपर लीक सरगना सुरेश ढाका की महिला मित्र हैं और अशोक जैन भी एक कांग्रेस नेता के करीबी हैं, जिसे लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। उधर जयपुर में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता भीमराज जाखड़ ने बयान दिया। कांग्रेस नेता जाखड़ ने कहा कि जिसका इंतजार था वो आज देखने को मिल गया। कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर ईडी की दस्तक हुई है, जिसे लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही आशंका जताई थी। जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है, वो हर हालात का मजबूती से सामना करेंगे। इसका इंतजार था वो आज देखने को मिला। सुबह सुबह ईडी ने राजस्थान के अंदर कांग्रेस नेताओं की छापेमारी की। दिनेश खोडनिया जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उनके आवास पे छापा मारा गया। अब चुनावी माहौल है, चुनावी रणबेरी बच चुकी है, तो बीजेपी की जो जमीन खिसकती जा रही है, तो केंद्र ने ईडी को भेज दिया। ये तो पहले से अंदेशा था हमारे सीनियर नेताओं का था, कभी ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, एसएफआई भी आएगी, तो उसकी झलक देखने को मिल रही है। पर कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता घबराने वाला नहीं है, हम भूले नहीं है। इन्होंने जो दमन का कुचक्कर जो चलाया था वो सब कुछ याद रखा जाएगा, और राजस्थान के अंदर इनको जैसे हिमाचल में भगाया था, कर्नाटक में भगाया था, उसके उसी तरह बीजेपी को यहाँ से 2023 के अंदर उखाड़ फेंकेंगे। 2024 के अंदर हम लोग इसको केंद्र से भी उखाड़ फेंकेंगे और जनता को अमन और चैन मिलेगा। उधर राजस्थान के झालावाड़ में एक 3.5 साल के बच्चे ने अपनी छोटी बहन की जान बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में घर के बाहर खेलते बच्चों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अचानक एक छोटी बच्ची खेलते खेलते पानी के टंकी में गिर जाती है। वहीं साथ में खेल रहे उसके साथ 3.5 साल के बच्चे ने उसे टंकी से निकाल कर उसकी जान बचाई। वहीं कुछ देर बाद बच्चों के परिजन घर के बाहर आते हैं और हालात को संभालते हैं। झालावाड़ के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के सुमेरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। सब इंस्पेक्टर के सरकारी क्वार्टर से शराब बरामद हुई है। आईजी पाली ने देर रात उसे निलंबित कर दिया है, देर रात गिरफ्तारी भी की गई है। आईजी के निर्देश पर सुमेरपुर के उपनिरीक्षक के सरकारी क्वार्टर पर कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 12 शराब की पेटियां बरामद हुई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ट्रक से पुलिस ने 700 पेटी शराब बरामद की थी, लेकिन रिकॉर्ड में हेरफेर करके एफआईआर में 646 शराब की पेटियां बरामद दिखाई गई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उधर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी करने के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, और इसी को लेकर राजस्थान में श्री करणपुर सेक्टर श्री गंगानगर से लगी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। साथ ही ड्रोन से एक संदिग्ध पैकेट हेरोइन भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को ड्रोन की आवाज सुनाई देने के बाद जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की और ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से मिले हेरोइन की वजन करीब 2 किलोग्राम बताया जा रहा है। इससे पहले पाक ड्रोन से करीब 9 किलो हेरोइन बरामद की गई थी।
राजस्थान में कोटा के रामगंज मंडी पुलिस ने एक ट्रक से लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद कर बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि शराब तस्करों ने शातिराना तरीके से ट्रक में रखी दूध की मशीन में करीब 700 पेटियां अवैध शराब छुपाई थी। पुलिस ने दूध की मशीन को कटर से काटकर अवैध शराब को बरामद किया। कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया जो पंजाब से करीब 60 लाख रुपए की अवैध शराब गुजरात सप्लाई करने जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आला अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम के ऐलान अगले 1 से 2 दिन में किए जाने की बात कही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव किए जाएंगे जिसे लेकर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने में जुटी हैं। कांग्रेस ने पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर जल्द करने की बात कही है, लेकिन बाकी प्रत्याशियों के नाम पर थोड़ा वक्त लगने की बात भी कही। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि अभी कुछ सीटों को लेकर चर्चा होनी बाकी है। एक उसमें 90 डिस्कशन हुआ, लेकिन एक उसमें 90 पे हम क्या कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर फैसला करके निकालते हैं। तकरीबन आप सहमति से सब कुछ हो रहा है, किसी सीट पर कोई विवाद नहीं है, सब आपस में। एक दो जगह जैसे है कि थोड़ा और इनपुट लेना है हमने, वो लेकर हम जल्दी ही 1-2 दिन में। और गुजरात के अमरेली में सड़क हादसा हुआ है जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने बाइक चालकों को टक्कर मार दी जिस वजह से दोनों लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य व्यक्ति इस हादसे में घायल हो गया है जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एलसीबी ने बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। दियोदर के रंटीला के पास एक आरोपी को पिकअप के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपियों ने पिकअप ट्रक में गुप्त गोदाम बना रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, इसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर। यशोभूमि में P20 समिट का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने P20 समिट का उद्घाटन किया है। 27 देशों के स्पीकर ने इसमें हिस्सा लिया। भारत लोकतंत्र की जननी है, प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। विविधता में एकता हमारी शक्ति है, हमारे ग्रंथों में इस सभाओं का जिक्र किया गया। पीएम मोदी ने तमाम बातें कही यशोभूमि में P20 समिट के उद्घाटन के दौरान। समय के साथ भारत ने इलेक्शन प्रोसेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। भारत करीब 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। ईवीएम के उपयोग से हमारे यहां चुनाव में ट्रांसपेरेंसी और चुनाव प्रक्रिया में
एफिशिएंसी दोनों बढ़ी है। भारत में वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही घंटों में चुनाव परिणाम आ जाते हैं। अब मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं, ये सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। आपको पता होगा कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 100 करोड़ वोटर्स यानी 1 बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं P20 समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। एक बड़ी खबर, दिल्ली में फिर से बढ़ने लगा है प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। 190 के साथ मध्यम श्रेणी में AQI। दिल्ली विश्वविद्यालय इलाके में हवा बहुत खराब पहुंच चुकी है। नोएडा में भी 212 के साथ खराब श्रेणी में है हवा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह मध्यम श्रेणी में 190 दर्ज किया गया। IIT दिल्ली में AQI 169 मापा गया, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर T3 पर यह 204 था। दोनों खराब श्रेणी में आते हैं। लोधी रोड, आया नगर और धीरपुर जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में XQI स्तर 139 और 114 दर्ज किया गया। इसके साथ नोएडा में AQI 214 दर्ज किया गया, इसे भी खराब श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य मानदंडों से 5 डिग्री कम था। इससे पहले 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सिस्टम लागू करने के लिए बात कही थी। उपाय के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक रिपोर्ट मांगी थी। उधर दिल्ली में 2 दिवसीय मेगा PTM का आयोजन, शिक्षा मंत्री आतिशी ने अभिभावकों से बातचीत की। उप महापौर अली मोहम्मद इकबाल भी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली सरकार और MCD का जॉइंट मेगा PTM, पिछले 8 सालों में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई है। शिक्षा क्रांति में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज हमें बहुत खुशी है इस बात की कि दिल्ली सरकार और MCD के सभी स्कूल्स में आज एक जॉइंट मेगा PTM है। इस बार हमने PTM को 2 दिन में रखा है, फ्राइडे और सैटरडे 13 और 14 तारीख, क्योंकि हमें अक्सर पता चला है कि पेरेंट्स कई बार कहते हैं हम एक दिन में बिजी हैं या नहीं आ पाए, तो ज्यादा से ज्यादा माता पिता पार्टिसिपेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा माता पिता हमारे स्कूलों में आ पाए, इसके लिए इस बार 2 दिन की हमने PTM रखी है। और सारे MCD स्कूल्स में आज PTM है, सारे दिल्ली सरकार के स्कूल्स में आज PTM है। और पिछले 8 सालों से, जब से दिल्ली सरकार में इस शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई है, माता पिताओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मुझे खुशी है इस बात की कि अब दिल्ली की शिक्षा क्रांति, अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति, अब MCD स्कूल्स तक भी पहुंच गई है। और वहां पर भी अब ये PTMs का सिलसिला, माता पिता की भागीदारी का सिलसिला, बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया। उधर तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक बड़ी खबर है, व्यवसायी के आवास पर रेड की गई है। आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जुलाई 2019 में ईडी ने यह दावा किया कि सेंटियागो मार्टिन और अन्य ने लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत लाभ प्राप्त करने के एक आपराधिक साजिश रची और लॉटरी नियमों के प्रावधान के विपरीत एक समझौता किया। मार्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड द्वारा सेंटियागो मार्टिन और सिक्किम सरकार के अधिकारियों के बीच बेईमानी से अधिनियम दर्ज किया गया, जो व्यवहारिक रूप से सिक्किम राज्य लॉटरी चला सकता था
और सरकार को लॉटरी टिकटों के अंकित मूल्य के प्रेक्षण से बच सकता था। बताया जा रहा है कि सेंटियागो मार्टिन ने अपने लॉटरी व्यवसाय से अवैध रूप से अर्जित धन को 40 कंपनियों के नाम पर अचल संपत्ति की खरीद में निवेश किया, जिनका उपयोग अपराध की आय को वैध बनाने के लिए किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।